तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ताज़ा से ताज़ा वीडियो आप तक पहुंच सके। इस तरह आपको मैं बताऊंगा इसके अगली वीडियो में आप बिजली का बिल कैसे पे कर सकते हैं और बिजली के बिल की डिटेल कैसे ले सकते हैं। तो ज़रूर देखते रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाज़र। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड है जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आपका अपना PTCL का बिल कितना आया है इस महीने। तो उसके लिए आप पहले पता करवा सकते हैं, बिल आने से पहले आपकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा कई बार ऐसे होता है कि आपका बिल आप टाइम पे आपके घर नहीं पहुंचता, तो इसलिए बड़ी परेशानी का सामना करना, आप कस्टमर सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ से बिल आपको निकलवाना पड़ेगा। लेकिन आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप PTCL का बिल घर बैठे पता भी करवा सकते हैं और घर घर बैठे ऑनलाइन उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ताज़ा से ताज़ा वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम में जाएंगे, ये आप मोबाइल पे भी इसको चेक कर सकते हैं। अभी भी एंड्रॉयड मोबाइल पे मैं सारा ये काम कर रहा हूँ। आप इसके ऊपर लिखेंगे PTCL बिल, ये देखिए आपके सामने PTCL बिल ये आ गया आपके सामने। या डी बिल भी लिख सकते हैं या PTCL बिल भी लिख सकते हैं। अब हम इस वेबसाइट की तरफ चले चलते हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया PTCL बिल की डिटेल। अच्छा, यहाँ पे आप वो PTCL सब्सक्राइब इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपने दो चीज़ें देनी है। आपके PTCL बिल के ऊपर दो चीज़ें होती हैं। सबसे ऊपर बड़ा बड़ा मोटा PTCL बिल का नंबर लिखा होता है कि आपका फलां 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 नंबर है। उसके नीचे आपका आईडी नंबर लिखा होता है। आईडी नंबर असल में आपका अकाउंट नंबर होता है जिसके ऊपर आपकी जितनी पेमेंट होती है वो सारी की सारी उसे आईडी नंबर या अकाउंट नंबर एक किस्म का होता है जिसमें आपकी पेमेंट जाती है। तो इसलिए सबसे पहले ये लिख रहा है कि आपका इंटर टेलीफोन नंबर, तो आप अपने टेलीफोन नंबर लिखेंगे। तो ये देखिए आपके सामने मैंने टेलीफोन नंबर लिख दिया है। तो इसमें आप टेलीफोन नंबर लिखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आपने नंबर देना है पूरा, उसके सामने आपने अपना कोड नहीं देना किसी किस्म का। जैसे आप मुल्तान रहते हैं तो 061 है, लाहौर रहते हैं 042 है, 051 कोड नहीं। सिर्फ PTCL का जो आपका टेलीफोन का नंबर है 8899224 56, इस तरह जो भी आपका PTCL का नंबर होगा वो देंगे। उसके नीचे आपका अकाउंट नंबर या आईडी नंबर लिखा होगा। तो वो ये देखिए आपके सामने आईडी नंबर मैंने लिख दिया है 2101715, ये आपका आईडी नंबर आ गया। तो इसके ऊपर उसकी सारी की सारी मुकम्मल डिटेल। अब आप सर्च पे चले जाएं, ये देखें, अब जब आप सर्च पे चले जाएंगे तो आपका जो बिल है ये देखें आपके सामने आ गया। ये आपका बिल है, किस नाम का बिल है इसकी पूरी डिटेल आपके सामने। ये कि टेलीफोन नंबर आ गया आपका, इसकी पूरी डिटेल आ गई, आपका एड्रेस आ गया और उसके नीचे आपके सर चार्जर आ गए। ये पूरा बिल आपका पेएबल, देखिए इसमें पेएबल डेट आ गई कि आप आफ्टर पेएबल डेट और पेएबल, ये देखें डेबिट इतना है और पे के आफ्टर 5140 यानी कि पेएबल ड्यू डेट ये है, आफ्टर ड्यू डेट आपको ये उसमें ₹136 सर चार्जेस लगेंगे, ये आपका जुर्माना है। और ये आपका बिल उतारने, आपकी बिल की सारी डिटेल आपके सामने आ रही है। इस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन इसको जमा भी करवा सकते हैं। उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ये देखें आपका पूरा मुकम्मल बिल, आप इसको प्रिंट करवा लें आपकी पूरी पूरी। ये देखें प्रिंट बिल भी है, अगर आप उसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट दबाएंगे, आपका कहीं ना कहीं ये बिल पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। और दूसरा ये बात है कि इसको आप प्रिंट भी निकालना चाहें तो वो भी कंट्रोल एस दबाएं, वो आपका प्रिंट जो है ना बिल हो जाएगा। आप कंप्यूटर पे काम करना चाह रहे हैं तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ताज़ा से ताज़ा वीडियो आप तक पहुंच सके। इस तरह आपको मैं बताऊंगा इसके अगली वीडियो में आप बिजली